हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा कैमरे की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी ठीक तरह से, इसलिए थोड़ा सिलसिला डिस्कनेक्ट हो गया। सिलसिला डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन सत्संग नहीं। मैं आरंभ करता हूँ हरि कृपा से। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे हमेशा आप लोगों की चिंता लगी रहती है कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और ये किसी तरह से भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। और अगर कृष्ण नाम भजन नहीं किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ में चला जाता है। भगवद गीता का श्लोक जो मैं पढ़ रहा था, तेषां सतत युक्तनाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवद गीता का ये श्लोक हमेशा मैं कई सत्संग में कोट करता रहता हूं। इस श्लोक में सबसे अद्भुत बात है यह है कि कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझ तक कैसे पहुंच पाओगे। इस श्लोक में कृष्ण से मिलने का सारा रहस्य छुपा है। ये श्लोक बहुत अद्भुत है। कृष्ण से मिलने का रहस्य छुपा है। इस श्लोक को आप ध्यान दिया करो, बहुत गहरा श्लोक है ये। जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा अपना खजाना कहीं छुपा देते थे और उसका एक मैप होता था, मैप नक्शा। उस मैप में उस खजाने का रहस्य छुपा होता था और जो सही तरह से उस मैप के अनुसार करता था उसे खजाना मिलता था। ये श्लोक भी ऐसा ही है। कृष्ण से मिलने का एक मैप है, इसमें एक रहस्य है। इसी जीवन में यस कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, इसी जन्म में कृष्ण मिल सकते हैं। और बहुत आसान रास्ता बताया, बहुत आसान रास्ता बताया। क्या रास्ता है सुनो आप लोग। तेषाम सतत युक्तानाम, वो लोग जो सतत मुझे याद करते रहते। किसी तरह से सतत याद करना है, फूलों से, चंद्रमा से, सूर्य से, हवा से, खुशबू से, संगीत से, रंग से, रोशनी से, प्रेम से, ये सारे कृष्ण के स्वरूप है। पता भगवद गीता में 11वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं जो सूर्य और चंद्र है वो मेरे नेत्र हैं, कृष्ण की आंखें। पता जब चंद्रमा आपकी ओर हो ना तो सब लोग ओ कृष्ण मुझे देख रहे हैं, और जब सूर्य देव हो बोले कृष्ण मुझे देख रहे हैं। ये भगवद गीता में लिखा है। तो फूल कृष्ण का ही रूप है, सुगंध कृष्ण का ही रूप है, संगीत कृष्ण का ही रूप है, गीत कृष्ण का ही रूप है। मैं आप लोगों को भगवद गीता एक बहुत अलग एंगल से समझाना चाहता हूं कि ये सब भी कृष्ण ही है, क्योंकि इनके द्वारा कृष्ण हमें मिलते हैं। फूल में सुगंध कृष्ण, फूल में खुशबू कृष्ण, रंग कृष्ण, रूप कृष्ण, क्या नहीं है कृष्ण बताओ ना, क्या नहीं है कृष्ण। ये कृष्ण को रियलाइज करना,
ये मेरा ठाकुर अद्भुत रूप में छटा बिखेरी हुई है। ये पक्षी वाव, क्या मेरे ठाकुर की लीला है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी है, आप देखोगे तो दंग रह जाओगे, उनकी अभिभूत हो जाओगे उनकी सुंदरता को देख के। मेरे सारे ठाकुर के मैनिफेस्टेशन। ऐसे कृष्ण को आप है? जब कोई खुशबू सुना, वाह कृष्ण वाह कृष्ण वाह कृष्ण, जब कोई फूल, वाह कृष्ण वाह कृष्ण वाह कृष्ण, चौदहवीं रात का चांद, वाह कृष्ण क्या शान है आपकी, सुबह का उगता हुआ सूरज जो ठंडी ठंडी गर्मी देता है, वो यानी शीतलता का प्रकाश देता है। डॉक्टर भी कहते हैं ना, ये सूर्य की धूप में विटामिन डी है, है कि नहीं? ये जो सुबह की धूप होती है उसमें विटामिन डी है, बहुत सारी शक्ति है शरीर के लिए। ये सारे कृष्ण के मैनिफेस्टेशन। जब कोई सुंदर आवाज में गा रहा है संगीत, वाह कृष्ण क्या आपने इसको आवाज दी, वाह वाह वाह, आवाज इसकी है, याद रखो आवाज इसकी है। लेकिन हम याद किसको कर रहे हैं, देने वाले को याद किसको कर रहे हैं, देने वाले को। फूल यहां खिला है, याद किसको कर रहे हैं, खिलाने वाले को। खुशबू, वाह हम सूंघ रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं जिसने इस खुशबू को निर्माण किया। हवा चल रही है, आनंद आ रहा है लेकिन हम याद किसको कर रहे हैं, हवा के द्वारा जो ये हवा चला रहा है। कृष्ण है, कृष्ण क्या कहते हैं पता, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, इसी अध्याय में आएगा, दसवें अध्याय में, मैं जल का स्वाद हूं। तो जब हम जल पी रहे हैं तो स्वाद जो हमारी प्यास बुझा रहा है वो कौन है, वो कृष्ण ही तो है। वो तृष्णा मिटाता कौन, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये हमारी तृष्णा कौन बुझाता, जब हम एक ग्लास पानी मांगते हैं और पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद जो तृष्णा मिटती, वो तृष्णा मिटाने वाला कौन है, उसका नाम कृष्ण है। मैं धरती की सुगंध हूं, अभी आ गया आएगा तो आपने देखा होगा जब पहली बरसात गिरती है और एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है, ये सुगंध, अरे ये सुगंध भी तो मेरा कृष्ण है। आप ऐसे कृष्ण का अनुभव कर सकते हो, कृष्ण है वो, बंसी बजाने वाला ही सारा कुछ कर रहा है। कभी बंसी बजाने वाला संगीत देता है, कभी बंसी बजाने वाला गीत देता है, कभी बंसी बजाने वाला खुशबू देता है, कभी बंसी बजाने वाला रोशनी देता है, कभी बंसी बजाने वाला रंग देता है, कभी बंसी बजाने वाला प्रेम देता है। ये प्रेम क्या है, कृष्ण। इसलिए तो कभी कभी भागवत को प्रेम सागर भी कहा गया। और कृष्ण क्या, तू प्रेम का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद को तरसे हम गोविंद। सबको प्यार अच्छा लगता है ना, सबको प्यार अच्छा लगता है। आज आज जिसको देखे प्यार प्यार की बातें करता है, लेकिन वो प्रेम के पीछे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कौन है, वो सेटिस्फेक्शन कृष्ण है। ऐसे हम सारा दिन कृष्ण को याद करते हैं, जब भी कोई हमें प्यार करे सोचना ये तो मेरा ठाकुर ही कर रहा है इसके माध्यम से। इसलिए तो कहा माँ भगवान का रूप है, क्यों, कि भगवान माँ बन के हर घर में जाता है और हमें प्यार करता है। तो वो कई रूप में आता है,
लेकिन है वही। मुझे जब भी कोई प्यार करता है मैं सोचता हूँ वाह ठाकुर इस रूप में आए है आप ही, और कौन मुझे कौन प्यार करेगा आपके सिवा गोविंद। मेरा ठाकुर धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद ये सब कुछ देने के लिए, धन्यवाद गोविंद, धन्यवाद आपका। आपको भी वही प्यार करता है पता है, समझाता कृष्ण कहते गुरु को ऐसा समझो जैसे मैं हूं, तो किस रूप में, गुरु के रूप में भी वही आता है, वही आके हमें समझाता है, माँ के रूप में भी वही आता है, वही आके हमें संभालता है, हर रूप में वही है। कृष्ण क्या कहते आगे आएंगे, प्रजा में मैं राजा हूं, तो राजा के रूप में आके हमें संभालता है, घर में जो हमारे पिता है उस रूप में आके संभालता है, पति के रूप में आके संभालता है, अरे वो कई रूप में आता है, खाली आप अनुभव करते जाओ ऐसे आप हमेशा कृष्ण को महसूस कर सकते हो पता है। तेरा पहले का नाता है मुझसे हे गोविंद, पहले का नाता है गोविंद, पहले का नाता है गोविंद, पहले का नाता है। मेरे सामने जब आप लोग बैठे होते हैं ना मुझे लगता है ये मेरे ठाकुर बैठे हैं, मैं उनको सुना रहा हूं कथा। सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति, कहाँ नहीं है मेरा गोविंद बताओ ना, सब गोविंद सब गोविंद, मेरा गोविंद ही का तो विस्तार है ये। ऐसे आप 24 घंटे कृष्ण को याद कर सकते हो, जब आप खाना खाने बैठो जब भोजन का स्वाद आए आह ये स्वाद कौन है, कृष्ण है, मैं क्या बताऊं आपको, कृष्ण कहाँ नहीं है, स्वाद कौन है, कृष्ण है, सुगंध कौन है, कृष्ण है, आनंद कौन है, कृष्ण है, मैं क्या बताऊं आपको, मेरा ठाकुर कहाँ नहीं है, किस में नहीं है। देखो ना 24 घंटे तो आप माला लेके नहीं बैठ सकते हो ना, 24 घंटे माला नहीं हो सकती है, लेकिन 24 घंटे नंदलाला हो सकता है। 24 घंटे नंदलाला हो सकता है, 24 घंटे नंदलाला हो सकता, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, 24 घंटे नंदलाला हो सकता। नींद कौन है, वो भी कृष्ण, अरे मैं क्या बताऊं। तो ये जो श्लोक है इस श्लोक में एक रहस्य छुपा हुआ है। पहले तो बात है क्या करे कृष्ण, तेषां सतत जो हमेशा मुझे याद करते रहते हैं, जो मुझे कभी भूलते नहीं, तेषां सतत युक्ता नाम बचताम प्रीति पूर्वक, अरे जिनको मुझसे प्यार हो गया है। और याद रखना प्रेम वो तत्व है, प्रेम वो तत्व है जो याद को अखंड कर देता है, आप समझो मेरी बात, याद को क्या कर देता है, अखंड, कौन सा तत्व, प्रेम, प्रेम वो तत्व है जो याद को अखंड कर देता है, प्रेम वो तत्व है जो याद को अखंड कर देता है, खंड होने ही नहीं देता, खंडित होने ही नहीं देता है,
गोपियाँ एक दिन एक ज्योतिषी के पास गई और कहने लगी, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम कृष्ण को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ज्योतिष ने पूछा, क्यों? अरे बोला, कोई दूसरे काम ही नहीं हो रहे। शाम हमारा काम, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, तन मन जीवन शाम का सुनो। तन मन जीवन शाम का और शाम हमारा काम। तन मन जीवन शाम का, शाम हमारा काम। तो ये जो भी हम करते हैं सब कृष्ण ही है। कृष्ण कृष्ण ये सब विश्व रूप है। ये मेरा बंसी वाला ही तो है जो आनंद बन के आपके मन में आनंद आए ना, समझ लो कृष्ण आ गया। आपके मन में प्रेम आए, समझ लो कृष्ण आ गया। आपके मन में उत्साह आए, समझ लो कृष्ण आ गया। आपके मन में उमंग आए, समझ लो कृष्ण। वो कौन है? वो कृष्ण ही के तो रूप, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद। आनंद कृष्ण का स्वरूप है ना। तो प्रेम क्या है? ये भी आनंद का स्वरूप है। उमंग क्या है? आनंद का स्वरूप है। उत्साह क्या है? आनंद का स्वरूप है। ये विस्तार है, ये सारे कृष्ण के विस्तार है। जो भी है मोहब्बत का फैलाव है, जो भी है मोहब्बत का फैलाव है। और मोहब्बत कौन है? मोहन ही मोहब्बत है। मेरा कैमरामैन भी वाह वाह कर रहा है। मोहन ही मोहब्बत है और मोहब्बत ही मोहन है। इसलिए प्रीति पूर्वक हम कंडीशन डाली है। प्रेम वो तत्व है मेरी माता बहन मित्रों जो भगवान को भी चाहिए। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से भजोगे तो मैं तुमको एक सीक्रेट बताऊंगा। कृष्ण कहते प्रेम से भजोगे तो एक सीक्रेट दूंगा बताऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं, और वो सीक्रेट क्या है पता है? तेषाम सतत युक्तनाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तुम्हें सीक्रेट बताऊंगा। क्या? ददामि बुद्धियोगम, तुम्हें वो सीक्रेट बुदाऊंगा बताऊंगा जिससे तुम समझ पाओगे। क्या? तम ये माम उपयान्ति ते, तुम मुझ तक पहुंच पाओगे। मुझ तक पहुंचने का सीक्रेट है, लेकिन शर्त प्रीति, प्रीति पूर्वक। तो ये प्रेम ही तो मेरा ठाकुर का रूप है, समझ लो। और जो प्रेम से ना जिए वो क्या जिया? वो तो जीते जी ही मरा हुआ है जिसके हृदय में प्रेम नहीं है। कबीर कहते, जाघट प्रेम ना उपजे ताघट जान मसान। जिंदा रहने का मतलब यह नहीं है कि ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, ये तो पंप से भी होता है। जिंदा रहने का मतलब है जिसके हृदय में प्रेम हो। कृष्ण को भी क्या चाहिए? सुना, प्रीति पूर्वकम। कृष्ण को भी प्रेम चाहिए, हालांकि वो तो है ही स्वयं प्रेम स्वरूप। कृष्ण तो प्रेम स्वरूप है, लेकिन फिर भी उनको प्रेम चाहिए। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। कृष्ण को ज्ञान नहीं चाहिए, कृष्ण को ध्यान नहीं चाहिए,
कृष्ण को आपका तप भी नहीं चाहिए, रखो अपने पास, कृष्ण को आपका इश्क चाहिए। इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना, इश्क ही से भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब प्रेम है ना, प्रेम अखंड याद कर देता है, आपकी याद को अखंड बना देता है, कौन? प्रेम। इसीलिए देखो इशारे इशारे में भगवान ने बहुत सारी बातें समझाई है, और व्यासासन क्या करता है, उन इशारों को विस्तार से समझाता है, विस्तार से समझाता है। जिस घट में ईर्ष्या द्वेष जेलेसी नफरत है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं बिना प्रेम रिजे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराय। भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है, समझे, भगवान को भगवान पना भुला देता है प्रेम। विदुर के घर आए, अब विदुर के घर आए, विदुर पत्नी एक्साइटेड, और आपको पता है जब बहुत ज्यादा एक्साइट होता है तो आदमी नर्वस हो जाता है, और उस नर्वसनेस में कई गलतियां कर जाता है। अब जिससे बहुत प्रेम हो और वो प्रियतम आपके घर आए, आप कैसे हो गए, एक्साइटेड होंगे ना। उन लोगों को पता होगा जो ये सब करते होंगे, कितने एक्साइटेड होंगे, सुबह से आप तैयारियां, बल्कि दो चार दिन पहले तैयारियां करते होंगे, और सोचते होंगे मेरा पिया घर आया। मैं क्या बात करूं आपसे, ये तो अनुभव करने की चीज है, और मेरी बात वो लोग अच्छे से अनुभव करते होंगे जिन पे ये बीतती होगी। जिन पे ये बीतती होगी वो अनुभव कर पाते होंगे मेरी बात को। तो विदुर पत्नी सुबह से तैयारी में थी, और जैसे ही मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल राधा रमण लाल, जय हो राधा रमण की, कल मेरे ठाकुर का प्रगट्य दिवस था राधा रमण का, और शायद मुझसे कल एक भूल हुई थी, मैं उसको करेक्ट भी कर दूं, वो मैं बहुत बेख्याली में कह गया, वो रघुनाथ दास नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के वो ठाकुर है राधा रमण, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूं, वो लोग ही मेरे सामने नहीं जो मुझे करेक्ट करते हैं, वो मेरा एक गूगल जिसको मैं गूगल बोलता हूं, वो गूगल ही मेरे सामने नहीं है, वो एक आंटी होती है ना जिसको मैं गूगल बोलता हूं, वो गूगल ही नहीं होता है, तो मेरा करेक्शन कभी कभी नहीं हो पाता है, और मैं बेखाली में बोल देता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। रियली आप लोगों को मिस करता हूँ, रियली मिस करता हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते बहुत अलग होते हैं, उन रिश्तों को कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन उन्हीं रिश्तों से तो जीवन होता है, उन्हीं रिश्तों से जीवन की ज्योत जलती रहती है, पता है? उनके बगैर इंसान बहुत अधूरा हो जाता है। श्री राधे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, राधा रमन जी, याद रखिए। अगर आप लोग सुन रहे होंगे
तो आपको फिर से कहता हूँ, मैं आप लोगों को बहुत याद करता रहता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। आप लोग जब सामने होते हो तो ये लगता है ठाकुर मेरे बैठे हुए, और फिर कथा करने का आनंद अलग होता है। लेकिन खुद को लॉकडाउन के अनुसार ढालना है, आपकी सेवा तो करनी है ना मुझे, सेवा तो अंत तक करूंगा आप लोगों की मैं हरी कथा के माध्यम से। फिर ऐसे ही ऑनलाइन ही क्यों ना हो, लेकिन सेवा तो आप लोगों की करनी है मुझे। कभी कभी तो पता है मुझे लगता है कि आप लोग जो कमेंट्स करते हो, मेरा जी चाहता है मैं उन कमेंट्स को लाइव उसका जवाब दूं। कभी ऐसा दिन आएगा जब आप लोग कमेंट्स करोगे और मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए मुझे। ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ता जाऊंगा और आप लोग को जवाब देता जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके, क्योंकि बहुत समय हुआ है। तो बात हो रही थी विदुर की पत्नी की, वो इतनी नर्वस थी, इतनी नर्वस थी। मैंने कहा ना, प्रेम में उल्टी चीज भी सीधी हो जाती और द्वेष में सीधी चीज भी उल्टी हो जाती है, याद रखना। द्वेष उल्टी चीज भी सीधी चीज भी उल्टी कर देता है द्वेष, और प्रेम उल्टी चीज को भी सीधी कर देता है। अब भगवान आ गए श्याम सुंदर, सोचे जिससे इतना प्रेम किया हो और वो हमारे घर आ जाए, हम कैसे नर्वस हो जाते हैं। अब विदुर पत्नी नर्वस हो गई, बैठने को आसन नहीं है, कृष्ण खुद ही बैठ गए। और जब प्रसाद अर्पण करने की बारी आई तो केला खिला रही है विदुर की पत्नी, लेकिन ये क्या, केला फेंक रही है, छिलका खिला रही है और मेरे ठाकुर खा रहे हैं। यह है प्रेम सगाई, समझे। और वही प्रेम कृष्ण यहां चाह रहे हैं कि प्रेम से भजोगे तो मैं तुमको बुद्धि दूंगा, आडंबर नहीं चलेगा, अहंकार नहीं चलेगा कि मैं हम इतनी मालाएं करते हैं, हम इतना ये कुछ नहीं सोचो। वो भी हरी कृपा है कि आपसे करवा रहा है वो, ये मेरे ठाकुर का एहसान मानो कि आपके हाथ में माला पकड़ाई है, उसने अपना नाम लेने देता है, ये एहसान मानो। अपना नाम लेने देता है ये उसकी मेहरबानी, ये उसकी बख्शीश, ये उसकी भीख है हमें कि अपना नाम लेने देता है हमें। नहीं तो कहां हमारी जबान और कहां उसकी महिमा, पॉसिबल है? कोई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये उसकी मेहरबानी समझो कि हमें वो लेने देता है नाम। तो शर्त रख दी क्या, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से भजो तो मैं तुमको एक सीक्रेट बात बताऊंगा। क्या सीक्रेट बात, क्या सीक्रेट बात, ददामी बुद्धि योगम, तुमको वो बात ऐसी बताऊंगा तमयेन माम उपयान्ति, मुझ तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा बच्चू। कृष्ण कह रहे हैं यहां, मुझ तक पहुंचने का रास्ता। तो याद रखना, याद रखना, ये कान खोल के, जब तक वो आपको बताना ना चाहे आप पहुंच नहीं सकते, चाहे आपके कितने ही साधन क्यों ना हो। कर लो, अपनी जोर लगा लो, नहीं पहुंच पाओगे। या खुद ने कहा, तम येन माम उपयान्ति तेकम ददामि बुद्धि योगम, जब तक मैं खुद तुम्हें वो बुद्धि ना दू, तुम अपनी बुद्धि से तो मेरे पास नहीं आ सकते हो। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात बहुत सीक्रेट, ये जो आपको बुद्धि मिली वो आपके प्रारब्ध से बुद्धि मिली है। प्रारब्ध मतलब आपके पिछले जन्म के कर्म, तो जैसे कर्म वैसी बुद्धि मिली है।
लेकिन इस प्रारब्ध वाली बुद्धि से, सुनो सुनो सुनो, इस प्रारब्ध वाली बुद्धि से आप ठाकुर नहीं प्राप्त कर सकते। आपको प्रारब्ध की बुद्धि से, अर्थात आपकी अपनी बुद्धि से भगवान मिले संभव नहीं है। तभी तो कृष्ण को कहना पड़ा, ददामि बुद्धि योगम, मैं तुमको वो बुद्धि दूंगा। जब तक मैं वो तुमको बुद्धि ना दूं, तुम मुझे नहीं पा सकते हो, अपनी बुद्धि से नहीं पा सकते हो। और हमारी अपनी बुद्धि कहां से मिली? हमारे प्रारब्ध से। तो हम अपनी बुद्धि से तो नहीं पा सकते। तो आप सोचो, प्रारब्ध प्रारब्ध प्रारब्ध, तो आपके प्रारब्ध वाली बुद्धि भगवान ने रिजेक्ट कर दी। तभी तो कहा, ददामि बुद्धि योगम, मैं तुमको वो बुद्धि जब तक ना दे दूं, तुम मुझे नहीं पा सकते हो। लगाते रहो जोर अपना, लगाते रहो जोर। तो भजन वो मार्ग है जिससे हमको वो बुद्धि मिलती है, लेकिन उस भजन में अहंकार का तत्व नहीं होना चाहिए। भजन में ये अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं इतना भजन कर रहा हूं, मैं इतनी मालाएं कर रहा हूं, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, मैं यहां पर वास कर रहा हूं, मैं वहां, ये भाव ही नहीं होना चाहिए। भाव नहीं, भाव कैसे होना चाहिए? जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने प्रकट किया, हे गोपीनाथ, मुझ जैसा अधम कोई दुनिया में नहीं है, मुझ जैसा कुकर्म अधम इस संसार में कोई है गोपीनाथ? आपने भक्ति विनोद महाराज का अगर ये पद पढ़ा हो तो, मेरे जैसा कौन अधम होगा, मेरे जैसा कौन कामी होगा, मेरा जैसा कौन विषयी होगा गोपीनाथ? आपने ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का पद पढ़ा हो तो, लेकिन ये आपकी मेहरबानी है। इसलिए ये मत सोचना कि हम अपनी बुद्धि से, आपकी अपनी बुद्धि आपको प्रारब्ध से मिली है, लेकिन वो बुद्धि तो भगवान ने यहाँ रिजेक्ट कर दी। अब क्या करोगे बोलो? आपका प्रारब्ध तो गया काम से। कृष्ण कहते, ददामि बुद्धि योगम, जब तक मैं तुमको बुद्धि ना दू। ये बुद्धि संसार वाली, उससे ईश्वर नहीं पा सकते। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर अपनी तरफ से स्पेशल बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम। उसका रिजल्ट क्या आया? तम येन माम उपयान्ति ते। और वो बुद्धि कैसे मिलेगी? प्रेम से। प्रेम करना सीखो पहले। तुम्हें प्रेम नहीं मिला तो क्या मिला? और इसीलिए है सब गिला। दिल से दुनिया के हर गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। आदमी से इंसान बनाने वाला प्रेम है, और इंसान को भगवान मिलाने वाला प्रेम है। इंसान को भगवान मिलाने वाला प्रेम ही है। तभी तो इस श्लोक में कहा, भजताम प्रीति पूर्वकम, इश्क बिना क्या जीना यारो। ये लॉकडाउन का इश्क है। इश्क बिना क्या जीना यार, और इश्क बिना क्या मरना। मन में बहुत बातें हैं आप लोगों से करूं, लेकिन समय कि ऐसी सीमा है। ये तो जी आज बहुत उमड़ रहा है मन मेरे ठाकुर का, बहुत बस भाव यही है कि आप सब मेरे सामने हो, और उसी भाव से बोले जा रहा हूं। ये राधा वृंदावन चंद्र विराजमान है मेरे पीछे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई,
ये मेरे लेफ्ट साइड पे नरसिंह देव विराजमान है, सामने मेरे गुरु महाराज विराजमान है, और ये संगत मेरे हरि की प्यारी बैठी हुई है। कोई नीचे बैठी है, कोई बालकनी में कुर्सियों पे बैठी है, कोई लेफ्ट साइड पे, कोई राइट साइड पे, और मैं आज बोल रहा हूँ आपके सामने। अभी थोड़ी देर में प्रकाश प्रसाद लेके आएगा जो मैं बांटूंगा, आज प्रसाद भी बांट देता हूँ। बहुत दिन हुए प्रसाद नहीं बांटा है। सबसे बड़ा प्रसाद तो यही है, मेरे हरि कृपा, मेरे हरि की कृपा, मेरे हरि की कृपा। इसलिए प्रेम ये सीक्रेट चाबी है, सीक्रेट चाबी। घमंड से आपका भजन भी स्वीकार्य नहीं है, अहंकार से, तप का अहंकार, बल का अहंकार, साधना का अहंकार। सुखी वसे मिस्कीन, यारे मिस्कीन बन के भजन करो। जैसे एक बच्चा कैसा असहाय होके, बच्चे का कोई अहंकार नहीं होता, कोई अहंकार, वो निसहाय होके माँ को पुकारता है। बहुत सीक्रेट बात बताइए, इस श्लोक को आज मैं अलग ढंग से पढ़ रहा हूं। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू मेरे गुरु महाराज, धन्यवाद गुरुदेव, आप मुझे आज इस दृष्टिकोण से ये श्लोक समझा रहे हैं और मुझे दे रहे हैं प्रेरणा के मैं आपके प्यारों को ये श्लोक समझाने की प्रयास करूं। सीक्रेट चाबी मांगिए प्रीति पूर्वकम, कंडीशन शुड बी अप्लाई। तो प्रेम क्या है, याद को अखंड कर देता है। जब जब बहार आई ओहो, और फूल मुस्कुराए, क्या हुआ, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। जो भी देखो मोहब्बत का फैलाव है। स्पष्ट लिखा प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम, बिना प्रेम रिजे नहीं तुलसी मन। ये कंडीशन है भजन में, कंडीशन कृष्ण ने डाली, भजो लेकिन प्रीति, क्योंकि वो प्रेम क्या करेगा, मेरी याद को कृष्ण कहता है सतत। बिना प्रेम के, सुनो, बिना प्रेम के लोग याद करने की कोशिश करते हैं और प्रेम में भूलने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे कुछ काम हो सके। ये गोपियों का प्रेम। और ये अखंड याद कब आती है, जब प्रीति हो जाती है, तभी तो कहा। आज श्लोक में फिर से पढ़ता हूं सत्संग को विराम देने से पहले। तेषां सतत युक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तब क्या होगा, ददामि बुद्धियुगम, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, तुम्हारी बुद्धि नहीं चलेगी। तो ये हमारी बुद्धि हमको कैसे मिली, हमारे पिछले जन्म के कर्म से, हमारे प्रारब्ध से। लेकिन वो बुद्धि को भगवान कहते वो किसी काम की नहीं है, मैं तुमको बुद्धि दूंगा। मैं तुमको बुद्धि दूंगा, हाँ, वो बुद्धि आएगी तभी वो मिलेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, इस समय मैं कहा हूं, इस समय मैं कहा हूं, अगर मैं आपसे मिलना चाहूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे आऊं, मैं यहां पर हूं। आप अपनी समझ से मुझे ढूंढना चाहोगे तो कहीं गलत जगह भी चले जाओगे। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी बुद्धि छोड़ दो, उससे तुम मुझ तक नहीं पहुंचोगे, मुझ तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और वो बुद्धि मैं कब दूंगा, जब तुम्हारा भजन होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कैसे सदैव मेरी याद रहे तुम्हारे दिल में, सदैव मेरी याद रहे। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। तो ये फूल, ये चांद, ये सुगंध, ये खुशबू, ये रंग, ये रूप,
ये संगीत, ये गीत, ये सब मेरे ठाकुर का विस्तार है। आप इससे हमेशा कृष्ण को अनुभव करते रहो और कृष्ण को जपते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरा ठाकुर आप लोग को जीवन खुशियों से भरे, प्रेम से भरे, आनंद उमंग से भरे, सदा उत्साहित बना रहे हो, आपका उत्साह बना रहे, आपकी आंखों में प्रेम की चमक हो, होंठों पे जीवन की मुस्कुराहट हो और जिंदगी सदैव आपकी कृष्णमयी बनी रहे। करुणा आपके नज़दीक भी ना आए, करुणा बरसती रहे, आप सब सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, ये धरती स्वस्थ और सुरक्षित रहे। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय पे, तब तक भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।